नारायण सेवा संस्थान ने बुधवार को अपने सेवा महातीर्थ परिसर में चैत्र नवरात्रा दुर्गाष्टमी पर 501 दिव्यांग कन्याओं का अनुष्ठान पूर्वक पूजन किया। देश के विभिन्न राज्यों की इन जन्मजात दिव्यांग कन्याओं के पिछले दिनों संस्थान में निशुल्क ऑपरेशन संपन्न हुए थे। देवी स्वरूपा इन दिव्यांग कन्याओं के पूजन से पूर्व संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल व निदेशक वंदना अग्रवाल ने हवन कर माँ से विश्व शांति और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना की। इस अवसर पर पद्मश्री अलंकृत कैलाश मानव ने अपने संदेश में कहा कि संस्कारित परिवारों से ही प्रगतिशील समाज और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है, जिसमें महिलाओं का बड़ा योगदान है। महिलाओं का सम्मान भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण संदेश है, जिसे इस अनुष्ठान ने साकार किया है। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि संस्थान द्वारा दोनों ही प्रमुख नवरात्रा में कन्या पूजन का उद्देश्य परंपरा निर्वहन के साथ बेटी बचाने, उन्हें पढ़ाने व आगे बढ़ाने का समाज को संदेश देना है। निदेशक वंदना अग्रवाल ने सजे धजे पंडाल में मंच पर विराजित माता स्वरूपा कन्याओं को लाल चुनर ओढ़ाई व नैवेद्य स्वरूप हलवा, पूड़ी और भीगे चने परोसकर श्रृंगार सामग्री भेंट की। अतिथियों, परिजनों व संस्थान साधकों ने सभी कन्याओं की 108 दीपों से आरती उतारी। आज बहुत पावन पवित्र अवसर है। दुर्गा अष्टमी के मौके पर नारायण सेवा संस्थान ने इन 9 दिनों में 501 बच्चियों का, दिव्यांग बच्चियों का ऑपरेशन करके उनका पूजन करने का मानस बनाया था, और दुर्गा अष्टमी के दिन आज इन बच्चियों का पूजन हो रहा है, उनकी वंदना हो रही है, उनकी आरती हो रही है। परमात्मा ने इन बच्चियों के रूप में हमें दर्शन दिए हैं, ऐसा मानते हैं। नर नहीं माने, नर को नारायण माने, तभी हम अपने हाथों से कुछ सेवा काम कर पाएंगे। तो इस चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर सभी उदयपुर वासियों को नारायण सेवा संस्थान मेरी ओर से, वंदना जी की ओर से, परम पूज्य गुरुदेव कैलाश जी मानव जी की ओर से खूब खूब बधाई, और आपका जीवन सुखमय बीते। दुर्गा माँ का ऐसा आशीर्वाद मिले आपको कि आप सदैव प्रसन्न रहें, सुखी रहें, दीर्घायु हों, निरोगी बने रहें। और यहाँ 501 दिव्यांग कन्याएँ पूरे भारत ही नहीं, भारत के बाहर से भी हैं, जो यहाँ इलाज प्राप्त कर रही हैं और यहाँ से ठीक होकर अपने घर की ओर प्रस्थान करेगी। पुत्र पवित्र किए कुल दो, लेकिन पुत्री जो है वो दो कुल को पवित्र करती है। तो ये पुत्रियाँ आगे जाकर जननी बनेगी, एक बहुत प्यारे से खिलखिलाते बच्चे को, बच्ची को जन्म देगी और इस समाज के निर्माण में अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं आपको एक और निवेदन करता हूँ कि आज सायंकाल 5 बजे कल रामनवमी है, तो हम अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ करेंगे सेक्टर 4 स्थित मानव मंदिर परिसर के बाहर, और कल शाम को 5 बजे उसका पूर्ण विराम होगा। आप सब पधारें और उस अखंड रामायण पाठ का हिस्सा बने। बहुत धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5 उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 9783262618 एंड 9828141898।